ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया है, जिसके माध्यम से शिविर लगाकर सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन मानस को दिलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने अगले पड़ाव में नगर पालिका परिषद जामुल के रावणभाटा क्षेत्र में पहुंची, जहां अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने शिविर में लगे हुए विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और यह जाना कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए शिविर में कार्य ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान माँ सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की गई। साथ ही इस शिविर में उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत विधि अनुसार पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। रावण भाटा में लगे शिविर में हजारों की संख्या में हितग्राही पहुंचे। रावण भाटा जामुल में लगे शिविर में हजारों की संख्या में हितग्राही उपस्थित हुए और शिविर में प्राप्त हो रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए अपना पंजीयन कराया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के कर कमलों से कुछ योजनाओं का लाभ जैसे उज्ज्वला गैस योजना शामिल है, इसका लाभ हितग्राहियों को तत्काल रूप से प्राप्त कराया गया। बाकी के पंजीकृत हितग्राहियों को बहुत ही जल्द योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। रावणभाटा जामुल क्षेत्र में लगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर की जानकारी अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा सहित नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर एवं CMO JP बंजारे ने मीडिया को दी है। उसने विकसित भारत के विषय पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री का जो सोच है उसको साकार करने के लिए हमारी जनता जनार्दन, हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम विकसित भारत, राष्ट्र भारत बनाने के लिए तत्पर हैं। ये यात्रा आम लोगों के लिए है, अंतिम व्यक्ति के पंक्ति को लोग जो वंचित थे हर सुविधा से, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचना चाहिए वो इस शिविर के माध्यम से माननीय हमारे सम्मानित विधायक जी के द्वारा और हम पूरे जामुल नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगण और जनप्रतिनिधिगण आज इस शिविर में सहभागिता निभा कर मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ शिविर लगाया गया है, जिसमें अपने सम्मानित विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ऐसे शुभ काम में उनके हाथों से आज सुचारू रूप से चालू हुआ है। और यह सतत आज हमारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए जो आम नागरिक की सुविधा है और उनका जो जरूरत है उसके लिए हम सभी संकल्पित हैं और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचे ऐसा हमारे सरकार की सोच है और हम सभी जन प्रतिनिधियों का एक सतत प्रयास रहेगा, यही सोच लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र गवर्नमेंट के शासन के दिशा निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप आज नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक रावणभाटा में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्र गवर्नमेंट के विभिन्न योजनाओं जैसे कि PM जनधन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना के तहत आज हितग्राहियों जो आए हुए गणमान्य नागरिक, जो छोटे व्यापारी और जो लघु फुटकर कार्य करने वाले मिस्त्री या दुलाहा, ईंट बनाने वाले, सभी प्रकार के जो विश्वकर्मा योजना के तहत प्रकरण तैयार करके शासन को उनकी लाभ हितग्राहियों को देने के लिए आज कैंप का आयोजन किया। कम से कम हम लोगों के पास शिविर में 1000 जनता से पहुंच चुके हैं कैंप में और सभी काउंटर में विभिन्न प्रकार का लाभ लेने के लिए हितग्राही उपस्थित हो रहे हैं, जिसका फायदा देने के लिए हमारे स्टाफ लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी कैंप लगा हुआ है, राजस्व विभाग का कैंप लगा हुआ है, नगरीय निकाय से संबंधित योजनाओं का कैंप लगा हुआ है
जिसमें आवेदन प्राप्त कर ले रहे हैं, जो सब कुछ समय पश्चात जिसका निराकरण करते हुए हितग्राहियों को लाभ उपलब्ध है। सोमवार को नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र में लगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में सभी वार्डों के जनप्रतिनिधि सहित नगर पालिका परिषद जामुल के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। ACN 24/7 के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।